हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग की डिमांड पर आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। वो है द हिंदू का एडिटोरियल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन होता है एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज यहाँ तक कि आप लोग अगर 10th क्लास 12th 11th किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर उसमें इंग्लिश का सेक्शन आता है तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन ज़रूर आता है, जिसमें 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में पेपर आ ही जाता है। तो उसको कवर करने के लिए आज से हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, द हिंदू एडिटोरियल। बस इसको करना हो कुछ नहीं, मेरे साथ सिर्फ इसको रीड करना है, और कम से कम इसको 45 डेज तक रीड करने के बाद आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप कोई भी कम से कम भारी से भारी जो है पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे पैसेज होते हैं जिसमें कि मीनिंग, उसका क्वेश्चन का मीनिंग आंसर छिपा हुआ रहता है, तो उसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज से शुरू करते हैं। बस लोसिंग ट्रस्ट ऑन केपी शर्मा ओली एंड नेपाल पॉलिटिक्स। नेपाल में जो पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें केपी शर्मा ओली पर एक तरह से समझा जाए तो वो विश्वास प्रस्ताव खो रहा है, ठीक है, जिसमें पूर्ण बहुमत उसका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। डिस्पाइट मिस्टर ओलीज लॉस, नेपाल्स अपोजिशन इज स्टिल डिवाइडेड ओवर एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीज लॉस ऑफ ए ट्रस्ट वोट इन पार्लियामेंट ऑन मंडे कम्स एट ए पार्टिकुलरली क्रूशियल टाइम। आप लोग ये सोच रहे हैं हम सब का मीनिंग क्यों नहीं समझा रहे हैं, बस हम बोले हैं मेरे साथ रीड करना है, मीनिंग के चक्कर में रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मीनिंग के लिए हम अलग से एक सेक्शन चला चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है साइनों का, उसको कवर कर लें, उसके बाद फिर इस पैसेज को ध्यान से मेरे साथ रीड करें। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीज लॉस ऑफ ए ट्रस्ट वोट इन पार्लियामेंट ऑन मंडे कम्स एट ए पार्टिकुलरली क्रूशियल टाइम। द सेकेंड वेव ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक महामारी हैज नॉट ओनली रेवेज्ड का मतलब होता है विनाश, तबाह करना, इंडिया, बट हैज ऑल्सो बिगन टू अफेक्ट इट्स लैंड लॉक्ड वो कंट्री होता है जो कि चारों तरफ जमीन से घिरा होता है, नाइबर तो पता है पड़ोसी नेपाल, लिविंग सिटीजन स्ट्रगलिंग अंडर टू सफर ऑक्सीजन शॉर्टेज स्पाइक्स इन द डेली केस लोड एंड फैटलिटीज होता है डेथ रेट, ठीक है। पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज द लास्ट थिंग नेपाल नीड नाउ, बट द ट्रस्ट वोट डिड लिटिल टू रिसॉल्व द इशू ऑफ हु विल टेक ओवर तो सोते कंट्रोल करना की चीज़ पर द रोल ऑफ लीडिंग द गवर्नमेंट। मिस्टर ओली वन जस्ट 93 वोट्स इन द 271 स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेयर ओनली 2/3 अप टू वोट विच विथ 124 वोटिंग अगेंस्ट हिम एंड 15 मेंबर्स स्टेइंग न्यूट्रल। द लीडिंग पार्टी इन द अपोजिशन द नेपाली कांग्रेस NC लेड बाय शेर बहादुर देउबा विथ 61 वोटेड अगेंस्ट मिस्टर ओली अलॉन्ग विथ द पुष्प कुमार दहल लेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मोस्ट सेंटर विथ 49 वोट्स। द मोस्ट हैड जस्ट रिसेंटली डीमर्ज्ड फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डी रिकोगनाइज्ड का मतलब होता है डिस्क्लेम, कोई भी चीज़ को फिर से मतलब मना करना कोई भी चीज़ का। इट्स मर्जर विथ मिस्टर ओलीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो कि यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट है, जो कि मार्क्सवाद और लेनिन दोनों का वो सपोर्टर है, फॉलोअर भी है। मिस्टर ओली कुड नॉट कमांड एक तरह से सुरक्षित था, मिस्टर ओली कुड नॉट कमांड द फुल सपोर्ट ऑफ हिज ऑन पार्टी एज द 28 लेजिस्लेटर स्ट्रॉन्ग माधव कुमार नेपाल जलनाथ खानल लेड फैक्शन एक तरह से यहाँ पर गुट बन गया है। विद इन द UML डिसाइडेड टू रिमेन एबसेंट फ्रॉम द हाउस मिस्टर नेपाल हैड टेकन अप कटजेल्स एक तरह से गाद होता है या फिर गदा लाठी जो भी होता है कटजेल्स अगेंस्ट मिस्टर ओली इन द यूनिफाइड NCP अलोंग विथ मिस्टर दहल एंड हैड अपोज्ड मिस्टर ओली डिसीजन टू डिसॉल्व।
पार्लियामेंट, ए मूव विच वॉज ऑल्सो स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इवन मोर इंट्रीग, इंट्रीग एक तरह से होता है साजिश, यानी कि षड्यंत्र करना, वॉज ए वर्टिकल स्प्लिट इन एनोदर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल JSP, द 15 मेंबर बाबूराम भट्टाराय, उपेंद्र यादव फैक्शन वोटर, मिस्टर ओली, वाइल द 15 मेंबर्स महात्मा ठाकुर राजेंद्र महतो लेड ग्रुप डिसाइडेड टू स्टे न्यूट्रल, वाइल मिस्टर भट्टाराय एंड मिस्टर यादव हैव टेकन टू क्लियर आइडियोलॉजिकल पोजिशन इन लाइन विथ देयर स्टेटेड गोल ऑफ ए फेडरली रिकंस्ट्रक्टेड नेपाली स्टेट फेवरेबल टू द प्लेन ड्वेलिंग मधेसी। मधेसी जो वहाँ का एक कम्युनिटी होता है, ठीक है। समथिंग दैट मिस्टर ओली हैड स्टेड फास्टली होता है रिजोल्यूटली, मतलब कोई चीज़ फॉर्मली जो आगे बढ़ता है। अपोज्ड द अदर फैक्शन इज इंक्लाइन टू सपोर्ट मिस्टर ओली इन ऑर्डर टू रेस्ट कंसेशन। कंसेशन एक तरह से होता है किसी का फेवर लेना या फिर कुछ छूट देना फॉर द मधेसी। मधेसी जो तो बताया भी, जो कि नेपाल का एक यूनिटी है। द नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रस्ट वोट वॉज ए लॉस ऑफ फेस फॉर प्राइम मिनिस्टर ओली, एंड येट इट इज नॉट क्लियर इफ एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी position as things stand. Mr. Deoba enjoys support from Moist and the Bhattaraya Yadav faction of the JSP, but it remains to be seen whether the Nepal Khanal faction will decide to resign from parliament to enable a victory for the NC. Nepal's political class has been more often than not catch up in political tugs of war, with frequently change in regime despite of the people reposing their faith in democratic institution through to Jan Andolans, inclusive revolution, mutiny जो होता है इसको बोलते हैं इंसाइटमेंट भी बोलते हैं। द फर्स्ट रिमूविंग अब्सोल्यूट एक तरह से डेस्पोटिक होता है, तनाशा होता है, ठीक है, मोनार्की, एंड द सेकेंड इनेबलिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक ग्रुप ऑफ पीपल। एक तरह से रिपब्लिक एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो कि अब्राहम लिंकन के द्वारा एक थाट दिया गया था, ए गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड थ्रू द पीपल, एक ये टैगलाइन था। वही रिपब्लिक का काम है, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन ए पार्टिकुलर एक्टिविटी विद सर्टेन इक्वालिटी के साथ काम किया जाता है, ठीक है। एट लीस्ट नाउ व्हेन नेपाल फेसेस द ऑनस्लॉट एक तरह से होता है नरसंहार, कोई भी ज़्यादा मतलब संख्या में बड़ी संख्या में किसी का मर्डर होता है, एक ग्रुप ऑफ एनी टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, तो उसको बोलते हैं ऑनस्लॉट ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस का तो अभी इफेक्ट पूरा दुनिया झेल रहा है, जो कि ये नेपाली सरकार इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई, जिसके कारण वहाँ पर ओपी शर्मा ओली को पूर्ण बहुमत का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उसको वहाँ से उस पोस्ट से हटाने का बात चल रहा है। सब छोड़िए, वो सब पॉलिटिकल मैटर्स है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को सिर्फ अपने फोकस पर ध्यान देना है। ऑनस्लॉट ऑफ द नोवल कोरोना वायरस द पॉलिटी मस्ट राइज टू द ओकेजन एंड वर्क टूवर्ड्स एंड अल्टरनेटिव स्टेबल रेजिम। और यहाँ पर जितना भी सारे वर्ड्स दिख रहा है, ये सारा वर्ड्स हम जो है उस सेक्शन में, वर्ड वाले सेक्शन में कवर करेंगे, ठीक है, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब अगले एडिटोरियल में कल मिलते हैं। बाय बाय।